नमस्कार दोस्तों, सफ़र में आज हम निकले हैं नर्मदापुरम से सलकनपुर की ओर, जहां हम दर्शन करेंगे माँ बीजासन देवी के। नर्मदापुरम जो कि पहले होशंगाबाद नाम से जाना जाता था, लेकिन कई समय से यहां के लोगों की और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह शहर माँ नर्मदा के नाम से जाना जाए। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा इस नर्मदा जयंती के अवसर पर सन 2022 में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और दोस्तों, चलते चलते हम आ पहुँचे हैं नर्मदा पुल पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में है। यहाँ से निकलते हुए यह डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर ज़िले से होती हुई नर्मदापुरम ज़िले से गुजरती है। यहाँ पर नर्मदा नदी एकदम शांत बहती हुई नज़र आएगी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से गुजरती हुई यह नदी बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत लगती है। इसके किनारे बहुत से घाट भी बने हुए हैं, जिनमें सेठानी घाट, कोरी घाट, विवेकानंद घाट काफ़ी प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी पुल को पार करने के बाद सीहोर ज़िला लग जाता है और हम पहुंच जाते हैं बुधनी। बुधनी से सलकनपुर के लिए हमें नसरुल्लागंज रोड की तरफ मुड़ना होता है और रास्ते में आपको खेत खलियान के साथ विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिलती है। दोस्तों, नर्मदापुरम से सलकनपुर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यदि आप भोपाल से सलकनपुर पहुँचना चाहते हैं तो भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। और दोस्तों, लगभग 20-30 मिनट के सफ़र के बाद अब हम सलकनपुर पहुँच ही चुके हैं और आप ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ देख सकते हैं और इसी पर ऊपर स्थित है माँ बीजासन देवी मंदिर। ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले सिर्फ सीढ़ियों से जाना होता था, लेकिन अब सीढ़ियों के अलावा रोपवे और वाहन से सड़क मार्ग द्वारा भी मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। हम दोस्तों आपको ले चलेंगे वाहन मार्ग द्वारा, जहां पर गेट पर 10 रुपये शुल्क दिया जाएगा। दोस्तों, पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता सिर्फ सीढ़ियों का ही हुआ करता था, जिसमें लगभग आपको 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता था, लेकिन अब रोपवे और इस वाहन मार्ग द्वारा मंदिर तक पहुँचना बहुत ही सुगम हो चुका है। वाहन मार्ग द्वारा लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं माता बीजासन देवी के मंदिर प्रांगण में, जहां पर आपको पार्किंग की बहुत ही अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी जो कि निःशुल्क है।
सीहोर जिले के रेहटी में विंध्याचल की मनोहारी पहाड़ी पर माँ बीजासन देवी का मंदिर है, जो कि सलकनपुर मंदिर के नाम से विख्यात है। बीजासन देवी को माँ दुर्गा का अवतार भी माना गया है। आस्था और श्रद्धा का यह शक्तिपीठ वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं से भरा हुआ रहता है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर यहाँ दूर दूर से लोग माँ बीजासन देवी के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु तो कई कई किलोमीटर नंगे पैर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा फरवरी के महीने में सलकनपुर में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। वही मान्यता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है, जहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार किया जा चुका है। इसकी व्यवस्था भोपाल नवाब के संरक्षण में होती थी, तब वहाँ अखंड धुनी और अखंड ज्योति स्थापित की जा चुकी थी, जो सालों से आज भी प्रज्वलित है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया है, परंतु बाद में चांदी के नेत्र और मुकुट से देवी को सजाया जरूर गया है। बीजासन देवी की प्रतिमा के दाएं बाएं जो तीन संगमरमर की मूर्तियां हैं, उनके विषय में मान्यता है कि गिन्नौर किले के वीरान होने पर एक घुमक्कड़ साधु इन्हें यहां ले आया था। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 400 साल से दो अखंड ज्योति प्रज्वलित है, एक नारियल के तेल से और एक घी से जलाई जाती है। इन साक्षात ज्योत को साक्षात देवी रूप में पूजा जाता है। मंदिर में धुनी भी जल रही है। इस धुनी को स्वामी भद्रानंद और उनके शिष्यों ने प्रज्वलित किया था, तभी से इस अखंड धुनी की भस्म यानी राख को ही महाप्रसाद के रूप में दिया जाता है। विजयासन माता के दर्शन के बाद विंध्याचल पहाड़ियों पर कुछ ही दूरी पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। वहीं इसके अलावा मंदिर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन गिन्नौर किला, आवली घाट, देलावाड़ी, सारू मारू की गुफाएं और भीमबेटका आदि भी आप देख सकते हैं। आज का सफर यहीं तक, और किसी नए सफर के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।